क्या टूट गया ऋतिक रोशन और सबा आजाद का रिश्ता? आखिर क्यों साथ साथ नहीं दिख रहे ऋतिक और सबा? क्या महज 2.5 साल में ही फना हुआ ऋतिक सबा का प्यार? पहले अंबानी की शादी में ली सोलो एंट्री, अब फरहा के घर डुगू के संग दिखी मम्मी पिंकी। तो ऋतिक के साथ गर्लफ्रेंड सबा को ना देख फैंस ने लगा दी सवालों की झड़ी। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन की निजी जिंदगी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर बात ही कुछ ऐसी है, लंबे वक्त से ऋतिक रोशन के साथ उनकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड सबा आजाद जो नहीं दिख रही है, जिसके बाद से ही नेटिजन्स लगा रहे हैं अंदाजा कि 12 साल छोटी गर्लफ्रेंड सबा से डुगू ने तोड़ लिया है रिश्ता। दरअसल हुआ ये कि बीते दिन ऋतिक रोशन फरहा खान के घर पहुंचे थे। फरहा खान ने हाल ही में अपनी मां को खोया है। मां मेनका ईरानी के निधन से फरहा गहरे सदमे में है। वहीं शनिवार को बॉलीवुड से तमाम सेलिब्स मेनका ईरानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तो ऋतिक भी अपनी करीबी दोस्त फरहा को दिलासा देने आए थे। ऋतिक को फरहा के घर से निकलते हुए E24 ने अपने कैमरे में भी कैद किया। व्हाइट शर्ट, बेज कलर की जीन्स और सिर पर कैप लगाए ऋतिक एज यूजुअल हैंडसम लग रहे थे। हालांकि इस बार लोगों का ध्यान ऋतिक के हैंडसम लुक की बजाय उनके साथ गर्लफ्रेंड सबा आजाद के ना दिखने पर चला गया। दरअसल फरहा खान के घर शोक व्यक्त करने के लिए ऋतिक अपनी मॉम पिंकी रोशन के साथ आए थे। ये दूसरा मौका था जब इसी महीने ऋतिक पब्लिकली स्पॉट हुए और हर बार अकेले ही दिखे। इससे पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी ऋतिक ने सोलो एंट्री की थी। हर पार्टी में सबा को साथ लेकर चलने वाले ऋतिक अंबानी वेडिंग में गर्लफ्रेंड के बिना आए तो हर कोई हैरान रह गया था। ऋतिक के साथ सबा का मौजूद ना होना कई सवाल खड़े कर गया था। और अब फरहा के घर भी जब ऋतिक सबा आजाद की बजाय मम्मी पिंकी रोशन के साथ पहुंचे, फिर तो सवालों का सिलसिला ही शुरू हो गया। फैंस ऋतिक के साथ सबा के ना दिखने पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है, आजकल ऋतिक के साथ सबा नजर नहीं आ रही, मामला क्या है, ब्रेकअप? वहीं एक और ने कमेंट किया, लगता है ब्रेकअप हो गया, हर जगह सबा के बिना जाता है। एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया कि पहले तलाक, अब ब्रेकअप, ऋतिक फिर सिंगल। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋतिक को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। उनका मानना है कि ऋतिक सबा का ब्रेकअप नहीं हुआ है, दोनों अभी भी साथ हैं क्योंकि ऋतिक सबा की हर पोस्ट को लाइक करते हैं। बता दें कि जनवरी 2022 में ऋतिक रोशन पहली बार सबा के साथ पब्लिकली स्पॉट हुए थे, जिसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें उड़नी शुरू हो गई थी। ऋतिक और सबा ने भी अपने रिश्ते को दुनिया से छिपाया नहीं था। कहा जा रहा था कि ऋतिक अपनी 12 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन अब दोनों का लंबे वक्त से साथ साथ नहीं दिखना फैंस के दिलों में कई तरह के सवाल खड़े कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।